हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वक्त आपका भाई जो है दुबई मॉल के अंदर खड़ा है, और ये क्या जगह है, ये चीज़ हमें शो कर रही है कि दुबई जो है दूसरे मुल्कों से कितना आगे है। मेरे ख्याल से दुबई जो है दूसरे मुल्कों से 20 साल आगे है। इससे पहले जो है मैं देख के आया हूँ बुर्ज खलीफा, जिसके ऊपर मैं अपने पाकिस्तान का जो है फ्लैग देख के आया। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज 14 अगस्त है, और कल जो है इंडिपेंडेंस डे जो है इंडिया का है, आज जो है वो पाकिस्तान का था। तो वहाँ पर जो है वाटर फाउंटेन डांस देखा, और अभी जो है वाटरफॉल देख के आया हूँ। चेक करें ये स्क्रीन जो है, हम ये मानते हैं कि हमारे मुल्क में जो है बड़े बड़े शानदार शॉपिंग मॉल है, लेकिन इस तरह का नज़ारा जो है क्या वहाँ पर है, हाउस में आगे करें। चेक करें ये होती है स्क्रीन। ये स्क्रीन क्या आप लोग समझते हो कि हमारे वहाँ पाकिस्तान में पैकेजेस मॉल या दूसरा जो है वहाँ पे ऐसा कुछ है? नीचे आप देख सकते हो, नीचे जो है वो ये डिस्प्ले है फ्लोर के ऊपर। क्या बात है, ये है दुबई, ये है दुबई शॉपिंग मॉल, जो कि सिर्फ अभी मैंने 10% एक्सप्लोर किया है, जबकि मैं मुझे इस शॉपिंग मॉल में आए हुए तो 2 से 3 घंटे जो है हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 10% जो है मैं एक्सप्लोर कर पाया हूँ। अब जो है मेरा ये प्लान है कि नेक्स्ट संडे यानी अगली छुट्टी पे जो है थोड़ा सा और आके एक्सप्लोर करें। अभी जो है काफ़ी कुछ रहता है, इससे पहले जो है बुर्ज खलीफा देख के आया हूँ, उसके बाद वाटरफॉल देखा, अभी जो है स्केटिंग जो है वो मेरी लिस्ट में है, जो कि शायद आज देखा देख पाऊँ, क्योंकि मैं जो है 6 बजे एंटर हुआ था, अभी 10 से ऊपर टाइम हो चुका है। जी ये रहा बुर्ज खलीफा के ऊपर पाकिस्तान का झंडा, यहाँ का सूरत हाल जो है चीज को देखने के लिए पाकिस्तानी आवाम जो है, हालांकि हम भी जो है सिर्फ भी इस चीज को देखने के लिए आए हैं कि पाकिस्तान का झंडा जो है वो बुर्ज खलीफा के ऊपर, ये रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है आपका भाई जो है दुबई मॉल घूमने जा रहा है, तो बाहर की सूरत हाल मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर जो है इस टाइम रमल का माहौल है। अब रमल किसको कहते हैं वो मुझे खुद अभी पता चला है कि रमल जो है दुबई में जब इस तरह का रेत का जो है तूफान आता है तो उसको रमल कहा जाता है। तो ये जो है इस वक्त ये जो सूरत हाल है ये रमल की है, यानी कि देखें आप देख सकते हो कि इस वक्त विजिबिलिटी जो है वो मेरे ख्याल से 0 तो नहीं, सिर्फ 50% जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आपके करीब है, जो दूर है वो तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो इस सूरत हाल में जो है हम बैठने वाले तो हैं नहीं, हफ्ता मतलब संडे आज तो जो है छुट्टी है, तो छुट्टी को जो है हम पूरी तरह से जो है वो क्रेडिट करेंगे, यानी कि आज जो है हम दुबई मॉल जो है वो ज़रूर जाएंगे। इस वक्त जो है मैं अलबीगा स्टेशन पे जो है इस वक्त मौजूद हूँ, और अभी जो है मैं अपने कार्ड में जो है बैलेंस चेक करते हैं कितने, अगर कम है तो वो डलवा, अपने पास बैलेंस है तो चलो सफर को शुरू करते हैं। तो ये रहा जी दुबई मॉल, चेक कर, ये रही दुबई मॉल जिसके बारे में मैं सुना था कि वाकई ही जो है वो एक अलग ही दुनिया बसती है यहाँ। तो सच में यहाँ पे जो है एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही माहौल जो है, जिधर देखो वाकई ही लोग क्यों ख्वाहिश करते हैं कि हमारा जो है फ्रांस का वीज़ा लग जाए, इटली का, पुर्तगाल का वीज़ा लग जाए, बेटे यहाँ पे ही जो है असल दुनिया, दुनिया का हर बंदा जो है यहाँ आके बसता है। चेक करें ज़रा दुबई के सीन जो है, मैं ऐसे नहीं कहता कि दुबई में जो है आके मुझे प्यार हो गया दुबई से। ये इस वक्त जो नीचे आप देख रहे हैं ये है डिजिटल फ्लोर, एवी नहीं मैं कह रहा कि दुबई की बातें कुछ और है, हाँ चेक करें। ये रहा एप्पल स्टोर।
क्या टाइमिंग है अपनी के भी अम्बाई और वाटरफॉल जो है वो हो रहा है। तो ये है दुबई मॉल का वाटरफॉल जो मशहूर है कि दुबई चेक करें, पहले रश चेक करें यहाँ कितना ज्यादा है। चलो जी कोई अच्छा सा स्पॉट ढूंढते हैं फिर दिखाता हूँ। वेदर भी ठीक इसलिए जो है हम लोग को इतना ज़्यादा क्लियर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। बाकी क्या सीट भी जो है मौसम ठीक नहीं है जिसकी वजह से जो है बुर्ज खलीफा जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, लेकिन मुझे जो है इस टाइम बिल्कुल ही सही तरह से जो है वो नजर आ रहा है। ये बिल्कुल मेरे सामने जो है बुर्ज खलीफा जो है, तो यहाँ पे जो है अभी अभी जो है वाटरफॉल जो है वो भी पूरा वाटर फाउंटेन डांस जो हुआ है तो थोड़ा सी ही जो है वो कैप्चर हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग को जो है वो पसंद जरूर आएगा। अभी ये वो जगह जो है जहाँ पे भी जो है मैंने वाटरफॉल जो है वाटरफॉल डांस जो है वो भी देखा है। ये है वो बुर्ज खलीफा की वो जगह जिधर जो अभी जो है वाटर फाउंटेन डांस जो है वो भी देखा गया है। अभी जो ये बिल्कुल ये है बुर्ज खलीफा, लेकिन मौसम जो है वो ठीक ना होने की वजह से जो है अभी कुछ भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा। बुर्ज खलीफा के ऊपर पाकिस्तान का झंडा, यहाँ का सूरत हाल जो है इस चीज को देखने के लिए पाकिस्तानी आवाम जो है, हालांकि हम भी जो है सिर्फ भी इस चीज को देखने के लिए आए हैं कि पाकिस्तान का झंडा जो है वो बुर्ज खलीफा के ऊपर ये रहा। जिंदाबाद। ये था वो चीज़ जिसके लिए हम जो है अपने अलरीका स्टेशन से जो है 7 स्टेशन दूर जो है हम बुर्ज खलीफा पर सिर्फ अपने पाकिस्तान का झंडा जो है वो देखने आए थे, तो फाइनली जो है वो देख ही लिया। मुझे जो था वो ये था कि शायद जो है मैं लेट जा रहा हूँ, इस टाइम जो है टाइम पूरे 8-9 बज चुके हैं, मुझे तो जो था ये था कि शायद जो है वो मैं मिस कर चुका हूँ, अब देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वक्त ने जो है वो हमें दिखा ही दिया पाकिस्तान का झंडा, वो भी बुर्ज खलीफा के ऊपर। अभी जो है उसके ऊपर कुछ नहीं दिखाया जा रहा इस टाइम जो है वो, अगर हमने इस साइड पर जो देखा है अब जो है वो उसकी इसकी दूसरी साइड की तरफ जो है ये झंडा जो है दिखाया जा रहा होगा, लेकिन हम फिर भी जो है अभी कोई आधा घंटा का या घंटा जो है और इंतज़ार करेंगे कि शायद जो है वो दोबारा दिखा रहे और हमें दोबारा देखने को मिले, क्योंकि फिर पता नहीं दुबई जो है कब आए कब ना आए, जिंदगी में ये मौका मिले या ना मौका मिले, क्योंकि वाटर फाउंटेन भी जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा 5 मिनट भी नहीं बल्कि 1 मिनट का देखा है, तो मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा पूरा वाटर फाउंटेन डांस का जो है नज़ारा ले ही ले, तो इसलिए जो है इंतज़ार कर लेते हैं थोड़ा सा, तो देखते हैं कि कब शुरू होता है। ये नज़ारा चेक करें, इस नज़ारे के लिए जो है मैं 10 स्टेशन चल के नहीं मेट्रो में जो है मैं आया हूँ। अभी जो है ये जिस तरह
आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये लाइटनिंग शुरू हुई है, इसके साथ ही जो है यहाँ वाटरफॉल जो है वो शुरू हो जाएगा। कमाल है यार, मौसम जो है वो इस वक्त थोड़ा सा फोगी सा हुआ है, रेत वाला इलाका जो है ये, तो ये देखो अभी जो है यहाँ से जाने का जो है बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, क्योंकि बार बार जो है कुछ ना कुछ जो है बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है वो दोबारा से दिखा देते हैं, जैसे दिल करता है चलो चलें, लेकिन फिर से जो है वो कुछ ना कुछ जो है ऐसा दिखा ही देते हैं। जैसे कि अभी जो है वो लाइटिंग देखी है, लेकिन मेरा जो है वो दिल है कि मैं वाटर फाउंटेन डांस भी जो है वो पूरा देखूं। तो चलो अभी जो है हम नीचे चलने की कोशिश करते हैं, नीचे चल के देखते हैं वहाँ का व्यू जो है वहाँ से कैसा आता है नज़र। तो इस वक्त जो है मैं नीचे आ चुका हूँ, अब यहाँ पे जो है हम फोन को जो है स्टैंड पे लगाते हैं और जितनी देर मर्जी जो है वीडियो शुरू रहे, हमें कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे ये आधी आवाम जो है ये मेरे ख्याल से पाकिस्तानी आवाम जो है, ख्याल नहीं है ही पाकिस्तानी आवाम, जो सिर्फ इस इंतज़ार में खड़ी है कि उनको दोबारा से जो है पाकिस्तान का फ्लैग देखने को मिले, जिस तरह ये देखें ये देखें ठीक हो गया। अभी इसी जगह पे खड़े हुए मुझे जो है कुछ आधा घंटा होने लगा है कि यार चलो अब दिखा भी दो दोबारा से पाकिस्तानी फ्लैग, लेकिन अभी तक जो है ये मेरी नहीं सुन रहे। अभी जैसे कि ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये रहा ये बुर्जुल खलीफा है, जो कि बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। इसके साथ ही जो है ये कुछ और दो तीन बिल्डिंग्स हैं, ये लाइट्स आप देख ही सकते हो। अब जो है मैंने प्लान ये बनाया है कि आज तो पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे है ना, कल है इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, तो मैं जो है सोच रहा हूँ कि अगर आज जो है बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, तो कल जो है हम ज़रूर इंडिया का जो है इंडिपेंडेंस डे भी जो है हम मनाने ज़रूर आएंगे यहाँ पे। तो उम्मीद है कि कल ये जो है रमल, ये जो इस वक्त ये जो कंडीशन है ना यानी वेदर की, ये इसको कहते हैं रमल, यानी यहाँ पे ये अरब अमारात में जब भी जो है इस तरह का मौसम होता है ना, तो इसको रमल कहते हैं कि ये रमल आया हुआ है, ठीक हो गया। लेकिन अभी जो है मैं यहाँ से नहीं जा रहा, यानी कोई अभी मैं घंटा मुझे अगर और इंतज़ार करना पड़ा तो मैं करूँगा, क्योंकि मैं दोबारा से एक दफ़ा फिर से जो है बुर्जुल खलीफा के ऊपर अपने पाकिस्तान का झंडा जो है वो ज़रूर देखना चाहूँगा। अभी जो है अपनी बस हो चुकी है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है, तो चलो अब अंदर चल के जो है दुबई मॉल के अंदर झंडा जो है ये मुझे पता है कि अभी फिर से लगाएं, क्योंकि यहाँ ये जितनी आवाम जो है ये सारा पाकिस्तान का झंडा दोबारा देखने के लिए जो है बैठी हुई है, लेकिन हमने जो है वो देख लिए, ये आवाम तरसते हुए तो हम भी जा रहे हैं, लेकिन हमने दो दफ़ा जो है वो देख चुके हैं। हाँ तो चलो अब दुबई मॉल के अंदर चलते हैं और दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक हो गया जी। और अगर कल दिल किया, अगर टाइम निकला, तो हम जो है इंडिया का इंडिपेंडेंस डे भी जो है वो देखने ज़रूर आएंगे, ठीक हो गया जी। तो चलो आगे अब दुबई मॉल के अंदर चलते हैं और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। जाते जाते जो है अब हम दोबारा वापसी आ गए, क्योंकि वाटरफॉल जो है वो शुरू हो चुका है। इसे कहते हैं सफर का मीठा भाग। क्या बात है, अगर मैं ये
ये अभी मॉल के अंदर एंटर हो जाता तो मैं कभी भी इसको नहीं देख पाता। तब पूरी तरह से जो है मैं ये कह सकता हूँ कि पैसा वसूल हो गया, हाय हाय मजा आ गया। अब जो है मेरे दिल में जो है बिल्कुल भी कोई ख्वाहिश बाकी नहीं। अभी जो है वाटर फाउंटेन डांस जो है और बुर्ज खलीफा पे जो है पाकिस्तान का झंडा देखने के बाद अब जो है दूसरी चीज़ जो है वो है वाटरफॉल। तो ये दुबई मॉल जो है इतना बड़ा है कि अब मुझे नहीं था पता कि मैंने अब कहाँ जाना है वो देखने के लिए। तो अभी जो है सिक्योरिटी से पूछा कि वाटरफॉल जो है वो किधर है, तो उसने हमें बताया कि इधर सीधा जाते जाओ इस साइड पर तो फिर आएगा डायरेक्टली सामने है वाटरफॉल। तो अभी जो है अब हम वो देखते हैं, वो भी जो है हमारी ख्वाहिश थी कि हम वाटरफॉल को देखें। उसके बाद जो है वो बर्फ के ऊपर जो है वो लोग चलते हैं, लेंगे तो नहीं क्योंकि चलाना आता नहीं, टांग तोड़वाने का मुझे शौक नहीं है कि यहाँ पे जो है मैं टांग तोड़वा के बैठ जाऊँ। तो चलो वाटरफॉल देखते हैं। दुबई मॉल की सिक्योरिटी के बारे में एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो है हर जगह पर CID और पुलिस, यानी कि CID और पुलिस सिविल में जो है वो घूम रहे हैं। यहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा सख्त है कि 2 से 3 दफ़ा जो है मुझे रोका गया है कि आप क्या कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, फिर मैं उनको बताता हूँ, फिर वो मुझे छोड़ देते हैं। तो बहुत सारा चलने के बाद फाइनली वाटरफॉल भी जो है बिल्कुल मेरे सामने है, बिल्कुल थोड़ा सा चलते हैं और वाटरफॉल का भी जो है वो मज़ा लेते हैं। क्या बात है, शानदार। यहाँ पे हर चीज़ जो है एक अलग ही नज़ारा जो है पेश करती है। तो ये रहा मेरे सामने वाटरफॉल। क्या बात है, लेकिन ये वो नहीं है, ये दूसरा है। हाँ ये देखो, ये जो है ये दूसरी साइड पे भी है, ये जो है हाँ वो है जिसके बारे में जिसको मैं देखना हूँ। मैं इसको देख के जो है मैं कह यार ये वो वाटरफॉल तो है ही नहीं, लेकिन मैं अभी देखा कि असल वाटरफॉल जो है वो ऊपर है, असल जो है वो तो ये रहा वो वाटरफॉल। कमाल हो गया जी। ज़बरदस्त। तो ये रहा वो वाटरफॉल जिसको देखने के लिए जो है 3 चीज़ें जो है वो मैं देखने के लिए आया था दुबई महल में, वो ये एक वाटर फाउंटेन डांस जो मैं देख चुका, दूसरा कि 14 अगस्त थी तो पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो बुर्ज खलीफा के ऊपर दिखाया जाना था, वो भी देख लिया, वाटर फाउंटेन डांस भी देख लिया और ये वाटरफॉल भी देख लिया। तो फाइनली अपनी जो है एक ख्वाहिश तो जो है वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद जो है वो स्केटिंग रहेगी, वो भी देख लेते हैं। ये रहा फाउंटेन, एक इस साइड पे है, ठीक हो गया, क्या बात है, और दूसरा ये रहा। ये क्लिप जो है मैं खास तौर से जस्टिफिकेशन के लिए बना रहा हूँ कि अभी ये वाटरफॉल को जो है ये जो आप लोग ये देख रहे हो ये आप लोग को यही लग रहा है ना कि ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ठीक है, लेकिन ये मेरे से भी बड़े हैं, यानी ये एक बंदे से भी जो है ना ये 2 हाथ बड़े हैं, ये जो है ये चेक करें। और ये सिर्फ एक साइड पर नहीं है, मैंने जो है वीडियो में अगर कहीं कुछ देखा है दुबई मॉल के बारे में, यानी यहाँ पर जब भी किसी की तस्वीर देखी है तो मुझे लगता था कि ये सिर्फ एक ही साइड पर, लेकिन ये एक साइड पर नहीं, ये 2 साइडों पर है, एक ये रहा, ठीक हो गया, और दूसरा वो रहा।
ठीक हो गया। तो ये थी दुबई के वॉटरफॉल, जगह से जो है जाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा है कि यहीं पे जो है रहना शुरू कर दूं। कि तो बहुत सारा थकने के बाद फाइनली उसी जगह से वापसी जाते हुए जिधर से हम एंटर हुए थे। इतना सारा घूमने के बाद अब फाइनली वहां से निकलने के बाद अब वो टाइम आ चुका है कि पेट पूजा की जाए, पेट में कुछ डाला जाए, कुछ खाया जाए, कुछ पिया जाए। तो अभी जो है इस सफर में जो है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो है वो ढूंढा जा रहा है कि कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट आए और कुछ खाएं, कुछ पिए, फिर जो है मुलाकात होती है, आपको दिखाते हैं कि भाई हमें क्या मंगवाते हैं। तो अब ये जो है आ चुका है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जिसका नाम है ये रहा जी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जिसका नाम जो है लिटिल पेशावर रेस्टोरेंट। अभी जो है चल के खाते हैं, कुछ पीते हैं। चल तो ये रहा यहाँ का ऑर्डर, ये स्क्रीनशॉट लेके जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या कुछ मिल रहा है। तो इतना सारा चलने के बाद ये है जी आज का मेन्यू बटर चिकन। ये अब खा के चेक करते हैं कि ये कैसा है। ये जो है इस वक्त ये अलदीगा स्टेशन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो है पेशावर रेस्टोरेंट के नाम से ये जो है यहाँ पे कॉस्ट करता है 20 दिरहम का। तो चेक करते हैं कि कैसा है ये। अब तो चलिए शुरू करते हैं। चलो जी, चलो जी। ऊपर नहीं आ रहा। तेरा तो ताना बहुत ही खराब है। अब जो है मैं अपने घर आ चुका हूँ। तो बस यहाँ पे जो है वीडियो को फिलहाल एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो जो है फिर से इतवार वाले यानी छुट्टी वाले दिन जो है बनाई जाएगी। तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।